नानी जी ये रागनी बोल रही थी कि आप हारमोनियम बजाते हैं। हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज संग्राम सिंह। आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पे संग्राम सिंह व्लॉग्स। तो आज है एक नई कहानी। आज हमारी सरकार जो रागनी जी है जो वहाँ पर पानी पी रही है, आज हम जा रहे हैं उनकी नानी के यहाँ पर। उनकी नानी आई है बिहार से उरन में। उरन में उनके मामा, उनके हाँ ना, उनके क्या है उनका उरन में, हाँ उनके बेटे और उनकी बहू है, तो वहाँ पर आई हुई है और अभी हम लोग जा रहे हैं उधर ही। अच्छा, तेरी नानी हारमोनियम बजाती है? नहीं बाबा, सपना से करे हारमोनियम बजा। मेरी मम्मी, मेरा बच्चू महाराज, मेरी भतीजी, मेरी मौसी सब आगे निकल गए और अभी हम लोग दोनों ही रह गए। अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए, तीन बज गए, नाटक कर रहे, झगड़ा नहीं करती घर में, चलिए। और अभी हम लोगों को पता नहीं कितना टाइम लगे। हम लोगों ने प्लान किया है कि यहाँ से एसटी पकड़ेंगे, एसटी से जाएंगे उरन और उनके मामा आएगी हमें पिकअप करने, या तो उन्होंने एड्रेस भेजा, हम लोग रिक्शा वगैरह पकड़ के जो भी है वहाँ पर पहुंचेंगे। और आज ये पहला व्लॉग होने वाला है जो पूरा के पूरा इस G7X Mark II से शूट होगा। तो यहाँ पर हमारे सब बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो खिड़की रह गई है खुली और मैडम जी गई है बंद करने के लिए। वो है हमारी खिड़की। चल रागनी, बाय पिल्लू। ये हमारे घर की सबसे छोटी बच्ची है, ये भी आने के लिए रो रही है। चल रागनी, कितना टाइम कर रही है तू? आज मैं मेरे वाइफ के साथ पूरे दिन प्रैंक करने वाला हूँ। मेरे वाइफ ने वो मीम नहीं देखा, अब्बा हारमोनियम बजाते हैं। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मैंने माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो मैं मेरी वाइफ को पूरा परेशान करने वाला हूँ पूरे दिन कि उसकी नानी हारमोनियम बजाती है क्या। बहुत 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 मजा आने वाला है। और मेरी वाइफ 3 साल बाद अपनी नानी से मिल रही है। मेरा बेबी अभी 2.5 ईयर्स का है, तो जब से मेरा बेबी हुआ है वो अपने गांव भी नहीं गई, और अभी नेक्स्ट ईयर आने वाले जैन या फेब में वो गांव भी जाने वाली है। अभी हम लोग का प्लान क्या है, हाईवे के उस तरफ से हम लोग एसटी पकड़ेंगे डायरेक्टली उरन के लिए। अगर आप हमारे ब्लॉग्स पहली बार देख रहे हो या तो आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार है हमारी वाइफ रागनी जी, ये हमारी प्यारी भतीजी खुशी, और ये हमारा बच्चू किशु महाराज, ये हमारी मौसी, और ये हमारी मम्मी। और हमारे डैडी काम पर गए तो वो नहीं आए हमारे साथ। हमें आज छुट्टी है, सैटरडे संडे, तो हम लोग निकले हैं इनकी नानी से मिलने, जैसे आपको बता। और मैं इसको फुल परेशान करने वाला हूँ, गॉड प्रॉमिस। रागनी सच्ची तेरी मम्मी नानी हारमोनियम नहीं बजाती? हारमोनियम बजाती क्या? हाथ है, कितना बार पूछते हैं। जी हाँ, मैं हूँ खलना यार। मैं उधर बाहर खड़े रहता हूँ और जैसे कोई एसटी आएगी मैं तुरंत इधर पीछे आऊंगा और इन लोगों को बता देगा कि एसटी आई है और अपन लोग को जाने का है। बहुत खतरनाक प्यास लगी मेरे को यार, बहुत खतरनाक प्यास। पकड़ जरा। और चाहिए? रुको, पकड़ के रखो डैडी के लिए। जब बच्चे हो जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है, आप सेकंड नंबर पे आते हो और पहले नंबर पे बच्चे आते हैं। जैसा ये प्यास हमें भी लगी थी, लेकिन पहले जो पानी इन बच्चों को पिलाया गया। और आपको प्यास लगी है रागनी जी? बच्चा है, क्या बोलते हैं, पहले हम बच्चा थे, दूसरा बच्चा हुआ, अब ये क्या रहने दीजिए। लेकिन रागनी अरे मैंने फोन पर सुना था कि हारमोनियम का आवाज आ रहा था जब तेरी नानी बात कर रही थी। अरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कोई भी बस आए तो कोई भी, ये लोग मुझे पूछते हैं कि ये उरन की है, ये उरन की है, ये उरन की है, हद है। और ये लड़की ने तो मुझे परेशान कर दिया है। क्या कर रही है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, देसी लड़की के देसी जुगाड़। खुशी, आपको मजा आ रहा है? अरे हिजे नानी वाटते मला हारमोनियम वाजवती है। अरे कसम से बोल रहा हूँ, मैंने सुना फोन पे। ठीक है, अभी जा रहे हैं, बांध लीजिए, उधर ही जा रहे हैं। लेकिन रहेगा तो उधर हारमोनियम मेरे को भी सिखाने बोल। सर मेहमान को छोड़ के बोलेगा, मेहमान जी आइए आइए, मैं आपको हारमोनियम सिखा दूँगा। हारमोनियम सीखने का मौका मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई। इसकी नानी अगर उधर हारमोनियम बजाती होगी ना तो मैं तो पक्का सीखूंगा, पक्का। तो मैं कुछ तो सीखूंगा। ये व्लॉग बनाने में इतना मजा आ रहा ना मेरे को, कसम से, मतलब एकदम अलग ही लेवल का फन हो रहा है। ये तो डैडी मशीन है। तो अब जाके जर्नी स्टार्ट हुई है। बहुत नहीं
चले थैंक यू गुरेश भाई। तो फाइनली हम सब लोग पहुंच गए नेहरुल में, यहाँ पीछे डीवाई पाटिल स्टेडियम है, डीवाई पाटिल कॉलेज। और नेहरुल पहुंचने तक हालत खस्ता हो गई है, बुरी हो गई है, क्योंकि हम लोग जैसे कैब में बैठे 5-10 मिनट बाद मेरे बच्चू महाराज को उल्टी हो गई, वोमिट कर दिया उसने बहुत बुरी तरह। उसका एक ड्रेस लाया था हम लोग ने, उससे ड्रेस वगैरह चेंज किया। यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे उरन के लिए बस या कैब जो भी मिलता है, फटाफट पहुँचना है यार। फाइनली हमें उड़न के लिए टैक्सी मिल गई है, ऑलरेडी 4% की आया है। अभी कितने देर में पहुंचेंगे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर विजिटिंग टू उड़न, इसकी हारमोनियम वाली नानी के पास। सॉरी खेगाव गणेश नगर फाइनली उरन में पहुंच गया। उरन चारपटा और यहाँ से जा रहे हैं अभी खेगाव, और 3 किलोमीटर दूर है इधर से। तो अभी डायरेक्ट उधर पहुंच के पानी वानी जो भी पिया जाएगा। जगह एकदम अच्छी है, एकदम गांव जैसी, चारों तरफ हरियाली हरियाली। रानी लेकिन तेरी नानी, अच्छा ठीक है छोड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, उधर आके तेरे नानी से पूछ लेंगे क्या वो हारमोनियम बजाती है या नहीं। टिकड़िक 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 आ चला बाय खुश रही अपन पहुंच लो। डिक्की चिक्की डिक्की चिक्की। नमस्ते मम्मी जी, नानी जी। अच्छा नानी है। अरे बच्चों कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हां बाबू बहुत उल्टी हो गया उसको रास्ते भर में, बहुत उल्टी कर रही है। चलिए ना, आखिरकार पहुंच गए हम लोग यहाँ पर। हमारे जो बच्चू महाराज हैं, 3 बार वोमिटिंग भी हो गया गाड़ी के अंदर। ये बच्ची को हल्का सा बुखार था लेकिन इसको घर पे छोड़ रहे थे, लेकिन घर पे रुकी नहीं और ये रोने लग गई, तो इसलिए हम लोग इसको भी साथ में लेकर आ गए। कुछ लाना तक भूल गए यार ये बच्चे लोग के घाय घाय में, कुछ लाया तक नहीं हम लोगों ने। देखते हैं आसपास कोई दुकान होगा कुछ भी होगा तो जाकर लाया जाएगा। और हाँ यही वो नानी जी है जो हारमोनियम बजाती है, पूछू उनको। तो आ गए है घर के यहाँ, चलो सब बच्चा पार्टी। नमस्ते मम्मी जी, हमने तो से बात है ना दीदी। चलो चलते अंदर। तो अभी थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं यार। ये हमारी रागिनी जी तो आए हैं इधर काम पे लग गई। ये बच्चू महाराज ने थोड़ी उल्टी कर दी, धोना होना कर रही है ये। थोड़ा फ्रेश हो लो क्या रागिनी जी है? हाँ रागिनी जी, तेरी नानी को पूछना हारमोनियम किधर है। कस्टम से बोल रहा हूँ, मैंने सुना था। रुक जा मैं तेरी नानी से ही पूछता हूँ, अभी इनकी नानी से पूछता हूँ मैं कि हारमोनियम किधर है। भाई हमको भी हारमोनियम सिखाओ, है ना। यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी भी है, डॉगी लाड़कर। अभी थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, थोड़ा चाय बिस्किट खाते हैं। अरे ती माजा कलता, ये मेरे लिए और नहीं 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 ये आपके लिए ले लो, क्योंकि आप खा पाओगे ना। इंतर को दोनों एक ही में खाते हैं। ओके डैडी बाबू एक साथ। नानी जी ये रागनी बोल रही थी कि आप हारमोनियम बजाते हैं। सच्ची ये सुबह से मेरे को बोल रही है कि मेरी नानी हारमोनियम बजाती है, बहुत अच्छा सच्ची बजाते है। पूरा रास्ता ये हमने करके लग गई। अच्छा मतलब सच्ची में बजाते हैं आप। और बाबू तेरा नाम क्या है? नितेश। कितने में तू? 8th में। और मामी जी आप कैसे हो? आपको पता है ना हम लोग वीडियो वगैरह बनाते, देखा आपने? हाँ हाँ हम लोग तो आते रहेंगे, हम लोग का स्कूटी है, स्कूटी पे निकालेंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। चल बाबू थोड़ा बाहर आके आते हैं दुकान पे। ए उठ गया डॉगी। कसम से छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना एकदम मस्त लगते हैं। फिलहाल हम और ये हमारे नितेश भाई तो निकले हैं बाहर इतनी ठंडी में कुछ मिठाई का सामान खरीदने के लिए। ये मिठाई देखिए आप, सब बच्चे लोग कहे गाड़ी के लिए लफड़ा रहा हूँ। ये गाड़ी रख दो किधर, तो गाड़ी खत्म लफड़ा खत्म। बस बस बस। तो भैया सुबह से लेकर अभी तक, सुबह जब से मैं उठा हूँ तभी से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं खाया था मैंने, कुछ भी नहीं। अब जाके प्यारी सी खिचड़ी दाल और पापड़ खाएंगे नाम के लिए, क्योंकि बाद में खाना भी खाना है, कुछ बनाया जा रहा है वो भी चखना है। आलू फ्लावर और बैगन इन तीनों के पकौड़े बन रहे हैं एकदम प्यारे प्यारे। और यहाँ हमारी रागिनी जी हमारी सरकार उनके गांव की मामी से बात कर रही है। हम कचरी खा रहे थे आराम आराम से, मेरी नानी कचरी बना रही है और हम खाते जा रहे हैं। कचरी यानी भुजिया ना पकोड़ा? भजिया है, आलू का भजिया है। तो भैया मामा जी भी आ गए बातचीत करते करते। ये बच्चा पार्टी, चलो बाबा को प्रणाम करेंगे। चलो 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 बाबा। हाँ बाबा आया, चलो प्रणाम मामा जी। नहीं नहीं थोड़ा इसको उल्टी हो गया, बस पहली बार आ रहे थे ना तो इतना पता नहीं था, बस जब कुछ प्रणाम कर।
खुशी तो प्रणाम कर पिल्लू। तो यहाँ का जो प्लान है सब कंफ्यूजन में बन गया। लोगों का प्लान था यहाँ आने का, रुकने का 2-3 घंटे और फिर चले जाने का, लेकिन हम कभी उरण आए नहीं थे तो पता नहीं था कि उरण कितना दूर है। और आते आते 6:30-7 बज गए, बाबू को 3-4 बार उल्टी भी हो गया। अभी ऐसा प्लान है कि यही रुकेंगे और डायरेक्टली सुबह जाएंगे, तो यही है। अभी तो ढंग से कुछ खाया भी नहीं होता, डक्कर चलो गया। आपने खाया क्या बोलते मराठी में भजिया? तुम्हारे ठेठी में? मेरे ठेठी में बोलते कचरी। कचरी कचरी भी बोलते हैं, पकौड़ा भी बोलते हैं, पचका भी बोलते हैं। बाल बना रखने, बाल बना थोड़ा। ये देखिए ये लड़का कैसा, मेरे बाल के पीछे हमेशा पड़े रहता कि रागनी बाल बना बाल बना। अभी सुबह से ये लड़की मेरे को बोल रही है कि दाढ़ी बनाओ, मूछ बनाओ, मामा के इधर जाना है। ये हमेशा मेरे को परेशान करके मूछ बाल ये सब काटो और टिप टॉप रहो। जहाँ मैं इसको बोल देता हूँ थोड़ा बाल बना अच्छे से, राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन राशन पानी क्या है, आप लड़की है बाबा, थोड़ा बहुत होते रहते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। कैसा स्टाइल रखने, तेरा स्टाइल देखे कहीं मेरे को हंसने आता। बनाया जा रहा है चिकन, और वो भी कहाँ, यहाँ बाहर चूल्हे के ऊपर। मतलब चिकन मटन ये सब अगर खाना और इसका असली टेस्ट का मजा लेना तो चूल्हे पे बने हुए चिकन मटन का मजा ही कुछ और। धीरे हमारा चिकन हो गया है तैयार, जो रंग अभी निखर कर आया बाहर। ठंडे ठंडे मौसम में जो चिकन है ना, गरम गरम देखो पीछे। अरे बाय बाय नहीं, अभी ब्लॉग बाकी है, जाओ मत। बाय बाय नहीं बोलने का अभी, ब्लॉग बाकी है बाबू। बोलो रुको मत जाओ मत जाओ। हमें हमारे एक और मामा जी मिल गए, लेकिन ये मामा जी हमसे 7 साल छोटे। क्या नाम है मामा जी आपका? राकेश। हमारा नाम संग्राम। मम्मी नानी मौसी वो सारे बैठे खाना खाने, और जब उनका हो जाएगा तो हम बैठेंगे खाना खाने के लिए। खाना पीना सब हो गया भाई, इतना खा लिया ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मतलब हमारी रागिनी जी बैठी है, सरकार मामी जी है, उनका खाना बाकी है। अभी हम लोगों ने खाना हजम करने का एक नया तरीका निकाला है, चलो करेंगे डांस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। सुबह हो गई है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हम लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया, चाय बिस्किट खा लिया, और अभी थोड़ा गांव में निकले बाहर थोड़ा घूमने। आप भी चलो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले, चलो दीदी का हाथ पकड़ो। अभी हो गए दोपहर के 3:05, और हम लोग अभी भी यही पर है। एक्चुअली जो मामा मामी है वो मार्केट गए हैं दोनों बच्चों को कपड़े लेने के लिए, जो किशु महाराज जो अंदर सोया है, और ये खुशी बच्चू महाराज, इन दोनों के लिए। मम्मी इधर है, मौसी थोड़ा आराम कर रही है, और ये हमारी सरकार जी रागिनी जी, ये जहाँ पर जाती है कुछ ना कुछ करती रहती है। तो अभी जाने का टाइम आ गया है, लेकिन जाने के पहले जो हमारे मामा मामी है उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए, तो दिल से इन सभी को थैंक यू। जाने से पहले थोड़ा भगवान के यहाँ माथा टेक लेते हैं मंदिर में। बिग 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 थैंक्स टू दिस फैमिली फॉर दिस लवली ट्रीट। चलिए नानी जी। अरे आएंगे, आप रो क्यों रहे हो, आएंगे ना हम लोग, फिर से आएंगे। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक के ऊपर। सो इट्स 7 PM और फाइनली हम लोग पहुंच गए घर। अभी भी बराबर 7 बजे नहीं, 2-3 मिनट बाकी है। तो इसी के साथ ये व्लॉग समाप्त करने का टाइम आ चुका है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और शेयर जरूर करिएगा अगर ज्यादा पसंद आया हो तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, नीचे जो प्यारा सा लाल बटन है दबाइए, और हमारे फैमिली संग्राम सिंह व्लॉग्स के मेंबर हो जाइए। बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय।